अरे यू ना जा चाचा, अरे यू ना जा खपा होके और दिल मेरा तोड़ के, और हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। क्यों? उसकी मर्जी के बिना कोई फूल क्या खिल जाएगा, और उसकी मर्जी के बिना क्या फूल कोई खिल जाएगा। और फूल की चलती है क्या पत्ता कोई हिल जाएगा, फूल की चलती है क्या और क्या पत्ता कोई हिल जाएगा। अरे दो दिन की है जिंदगी, हम किस पे करें गुमान। दो दिन की है जिंदगी और हम किस पे करें गुमान। भैया जी हम किस पे करें गुमान, और खाक का पुतला है एक दिन खाक में मिल। भैया कोई कहता है ना गुरु, अब छोड़ दो, दोपहर ही है, जा रही है, गीत पूरा करो। देखो तुम्हारे दीवाने अबुए में यही देखना चाह रहे हो, गाता है कि ना है। कोई कहता है कि हम सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है कि हम सोने का महल बनाएंगे, और कोई कहता है कि हम राजा बन जाएंगे। अरे कोई ये कहता है कि हम राजा बन जाएंगे, पर ये नहीं समझा कि इस जीवन की क्या औकात है। भैया चार दिन की है चांदनी और फिर अंधेरी। बाबूजी गीत उस समय का। अच्छा भैया यो कह रहे तुम्हारा कोई हिमाती नहीं है, तो हमारो नाती हमारो हिमाती है, है कि ना? ना जा यू ना जा खपा होके और दिल मेरा तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़। महाभारत जब समाप्त हुआ तो गांधारी को पता चला कि मेरे 100 के 100 बेटे युद्ध में मारे गए। हाँ जी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे अखाड़े के कांगे सब लोग। हाँ एक बार ताली बजाओ। जब गांधारी को पता चला कि मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए, तो आज जो काली पट्टी बांधे रहती थी कि मैं जो सुख मेरे पति को नहीं, मैं कभी नहीं देखूंगी, वो पट्टी खोल के फेंकती। ऐसी अंधी बनी रहने से क्या फायदा कि माँ कहने वाला एक भी नहीं बचा। और प्रण कर लिया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भूखी प्यासी रहकर अपना जीवन त्याग कर दूंगी। और आज कुरुक्षेत्र में विचरने लगी, कभी किसी बेटे की लाश उठाती है, मुंह देखती है, रोकती है। भगवान कन्हैया को लगा कोई अनर्थ ना हो जाए, तो आए और बोले अरे बुआ क्यों परेशान हो रही है। अरे जाना पड़े बुआ जी, इसको जो इस जग में आया, और क्षण भर जीवन नहीं रहता जब उठे प्रभु का साया। भोजन बिन मुरझा जाती है बड़े बड़ों की काया, हर चीज पराई हो जाती है पेट न होए पराया। पेट से निकली हुई औलाद पराई हो जाती है,
लेकिन पेट पराया नहीं होता तो गांधारी रो करके कहने लगी, के 100 पुत्र थे माधव मेरे और रहती सदा अभिमान में। 100 पुत्र थे माधव मेरे, रहती सदा अभिमान में, और ऐसा भी दिन देखूंगी इससे रही अनजान में, से रही अनजान में। अरे खेले जो मेरी गोद में, उन सब के सब पड़े शमशान में। अरे खेले जो मेरी गोद में, वो सब के सब पड़े शमशान में, और मेरा तो सब कुछ लुट गया इस कुरुक्षेत्र के। अरे मेरा तो सब कुछ लुट गया इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। कैसा? अरे मेरी जान के दुश्मन बन गए टुकड़े जागीर के। और कन्हैया, और किस किस को दिखाऊं मैं अपना जिगर चीर के। और माधा, अजीत भैया रख दो फोन, अब तो सवेर कह रही है। कैसी घड़ी ये सामने मेरे जीवन में आ गई, कैसी घड़ी ये सामने मेरे जीवन में आ गई, ऐसी घड़ी ये सामने मेरे जीवन में आ गई। और पिलुआ वाले हो, और अपनों की रार देख लो आज अपनों को खा गई, ये अपनों की रार देख लो अपनों को खा गई। के अपने ही बने किस को दिखाऊं मैं अपना चिरकर चीर के। और माधव, इस गीत की सबसे भारी लाइन है, आपकी तालियों का संबोधन मिलेगा तो गीत में बल पड़ेगा। चाहे पांडव मरा हो चाहे कौरव, लेकिन गांधारी की आंख से आंसू जरूर निकले, लेकिन आज हद हो गई कब। आंखों से अब तो रोने की वो क्षमता चली गई, आंखों से अब तो रोने की भी क्षमता चली गई, और ये मां तो जिंदी है मगर मेरी ममता चली गई। ये मां तो जिंदी है मगर
मगर मेरी ममता चली गई। अरे कोई बदल सका ना कोई बदल सका ना लेख लिखे जा मेरी तकदीर के। और किस किस को दिखाऊं मैं अपना जिगर चीर के। गीत बढ़िया लग रहा है चाचा। हाँ साहब, अब देखिए गांधारी कहती है कि माधव अगर रणभूमि में कोई वीर जाता है तो उसको दो गति प्राप्त होती है, या तो वो विजयश्री लेकर लौटता है या वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन मैं ऐसे बेटों की माँ हूं, न तो मेरे बेटों को विजयश्री मिली और ना ही वीर गति में नाम लिखा गया। और सबसे बड़ा रोना क्या, सबसे बड़ा रोना मेरे जीवन में क्या है, अरे किस्मत बनाने वाले तने डॉक्टर साहब, किस्मत बनाने वाले तने मेरी किस्मत में क्या रचा। किस्मत बनाने वाले तने मेरी किस्मत में क्या रचा, मेरी अर्थी को कांधा देने वाला कोई नहीं बचा। अरे मैं सौ बेटों की माँ होते हुए आज जब मैं मरूंगी तो मेरी लाश को कंधा देने वाला एक भी नहीं बचा। मेरी अर्थी को कांधा देने वाला कोई नहीं बचा। अरे ये टुकड़े ये टुकड़े है, अरे ये टुकड़े ये टुकड़े हो गए और ये मेरे जमीर के। और अब तक भगवान कन्हैया शांत मुद्रा में सुन रहे हैं, तब इंगित करके माने उंगली करके इशारा करके गांधारी ने कहा, आए माधव सब जानता कन्हैया तू अब क्यों खामोश है। सब जानता कन्हैया तू अब क्यों खामोश है। और भगवान ने सीधा सा उत्तर दे दिया कि ये गलती नहीं किसी की बुआ, सब किस्मत का दोष है। ये गलती नहीं किसी की बुआ, सब किस्मत का दोष है। एकदम से चीख पड़ी गांधारी, ये किस्मत नहीं हो सकती, जो तेरी इच्छा नहीं होती तो ये मेरा कुलबागारत नहीं होता। और जो तेरी इच्छा नहीं हो मेरा कुनवा गारत नहीं होता। अजीत भैया, जो तेरी इच्छा नहीं होती तो ये मेरा कुनवा गारत नहीं होता। और जो तेरा इशारा नहीं होता तो फिर ये महाभारत। अरे अगर तेरा इशारा नहीं होता तो फिर ये महाभारत नहीं होता। अरे तू सब कुछ है, अरे तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है छोरा अहीर के। अरे तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है ओ छोरा अहीर के। और मेरे डॉक्टर लिख गए रसिया, मेरे डॉक्टर लिख गए रसिया सच्ची तहरीर के। और किस किस को दिखाऊं मैं अपना जिगर चीर के। शुरुआत इधर से थी, वो जो गाना है वो उनका है।
हम तो जवाब देते हैं उसका। हाँ तो अगली बार जब आएंगे थोड़ा सा सबर रखो, ज्यादा समय नहीं है, और जब चाहो तब बुला लियो, क्योंकि अभी इशारा मिला है कि 22 जून को यहाँ कोई प्रोग्राम होना है। वो कमेटी हमारे पास आई है, उन्होंने कहा है तुम्हारा नंबर ले लिया है।